लोगों के बीच में, लोगों के प्रति, लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करते हैं वो। तो ये मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और वो एक इंस्पिरेशन है पूरे यूथ ऑफ इंडिया के लिए। और बहुत ही डायनेमिक लीडर है, बहुत ही वेल स्पोकन है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और वो बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे वो बहुत ही ऊंची मकाम में इंशाल्लाह ताला। मूवी में देखा था कि पप्पू कान डांस वाला, और अभी जो पप्पू टैग है तो ये पप्पू टैग से पूरा बीजेपी का तख्ता हिला हुआ है। और ये पप्पू बोल के जो उन्हें इंसल्ट किया गया है या मीडिया के माध्यम से जो बोला गया है, का एक सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के प्रति। और मैं हमेशा मानता हूँ कि कांग्रेस ऐसा एक दल है जो आपको खुल के काम करने का मौका देता है, आपको आज़ादी से काम करने का मौका देता है। टीएमसी के साथ था, कोई भी एक दाग मेरे कॉलर में कभी नहीं हुआ। जो अभी देखा जाता है जो शासक दल हैं उनके मैक्सिमम सभी के कॉलर बोलिए या स्लीव्स बोलिए या पॉकेट बोलिए या सभी में दाग है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। आज हम आए हैं यासिर हैदर से बात करने के लिए। आपने देखा था अचानक से एक सनसनी फैली पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस में, जब कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के जो सन इन लॉ है यासिर हैदर, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे आखिर यासिर हैदर के क्या सोच आया और क्या दिमाग में आया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यासिर साहब, सबसे पहले आपको इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। यासिर साहब, आप एक पर्टिकुलर पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के यूथ के जनरल सेक्रेटरी रहे, काफ़ी आप लोग आपने काम किया, आप लोकप्रियता भी थी, अचानक से आप 2019 में साइलेंट हो जाते हैं पॉलिटिक्स से, फिर दिखाया था अचानक से आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, आखिर क्या वजह रही कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए? जी, 2019 में मैं जो अभी शासक दल है तृणमूल यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी था वेस्ट बंगाल का, तो जो मुझे काम दिया गया मैं अपना 120% वो काम किया, हमेशा करते आया। मैं बहुत गर्व से ये कह सकता हूँ कि मैं पॉलिटिकल करियर, जब तक मैं टीएमसी के साथ था, कोई भी एक दाग मेरे कॉलर में कभी नहीं हुआ। जो अभी देखा जाता है जो शासक दल हैं उनके मैक्सिमम सभी के कॉलर बोलिए या स्लीव्स बोलिए या पॉकेट बोलिए या सभी में दाग है। तो और मैं एक बहुत फ़क्र, मैं बहुत प्राउड हो के बोल सकता हूँ कि मैं जेन्युइनली पार्टी के लिए काम किया था टीएमसी के लिए जब मैं उसमें था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा परिचय एक पॉलिटिकल लीडर बोलिए या पॉलिटिकल वर्कर के वो बाद में आता है, मैं सोशल वर्कर और मैं सोशल एक्टिविस्ट सबसे आगे अपने आप को मानता हूँ। क्या ऐसी वजह रही कि आप कांग्रेस ज्वाइन किए, कौन सा चीज़ आपको कांग्रेस की तरफ खींच कर लाया? देखिए, तृणमूल भी तो आगे कांग्रेस का ही था, तो टूट के फिर कांग्रेस से तृणमूल हुआ। और ऐसे भी कांग्रेस देखिए एक ऐसा दल है जो सबसे भारतवर्ष में सबसे पुराना दल है, और इस दल में गांधी परिवार का जो योगदान है, जो बलिदान है, ये हम लोग कहीं भी आज तक देखे नहीं। पूरे भारतवर्ष तो छोड़िए, पूरे दुनिया में एक फैमिली का जो इतना बलिदान और सैक्रिफाइस एक देश के लिए किया गया है। तो मैं छोटे से राजीव गांधी बोलिए या सोनिया गांधी जी बोलिए, मैं हमेशा उन लोग का एक बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। और कांग्रेस के प्रति नॉट ओनली यासिर हैदर, मगर जितने भी भारतवर्ष में जितने भी नागरिक हैं, माँ बहनें हमारी, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर्स, हमारे बुज़ुर्ग, सबके प्रति उन लोग के दिल में कांग्रेस का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा था और हमेशा रहेगा। आपको क्या लगता है राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है वो कांग्रेस फिर से बाउंस बैक कर पाएगी? देखिए, बीजेपी जो अभी शासक सेंट्रल में हैं, जो उन लोग का गवर्नमेंट है, उन लोग को जो एक ही दल से डर है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी का जो लोकप्रिय और जो उनका डिमांड बोलिए या उनका जो एक्सेप्टेंस पूरे भारतवर्ष में हर एज, बच्चे, बूढ़े, जवान, माँ बहनें, सबके प्रति राहुल गांधी जी का अभी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो सबके बीच में। और वो दिल से काम करते हैं, जैसे हम लोग कांग्रेस में सब दिल से काम करते हैं, उनको सामने रख के हमारे लीडर वेस्ट बंगाल के, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री अधीर रंजन चौधरी जी को सामने रख के, वो उनका जैसा फाइटिंग एटीट्यूड है उनका बोलिए, राहुल गांधी जी का बोलिए, तो उन लोग को सामने रख के हम लोग कांग्रेस को और भी मजबूत करना चाह रहे हैं वेस्ट बंगाल में। और इंशाल्लाह ताला आने वक्त में आप खुद देखिएगा कि कांग्रेस विल बी वन ऑफ द प्राइम पार्टीज अगेन इन सेंट्रल एंड एज वेल एज वेस्ट बंगाल।
यासिर साहब, एक तरफ आप बोल रहे हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बात बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी पार्टी है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को पप्पू के तौर पे पेश करती है और कहीं ना कहीं उसको टारगेट हिट करती है। तो आपको क्या लगता है वो पप्पू और या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किस तरह से राहुल गांधी निखर करके आएंगे, या जनता क्या सोचती है राहुल गांधी के बारे में? देखिए, एक गाना था, मैं एक मूवी में देखा था कि पप्पू कान डांस वाला, और अभी जो पप्पू टैग है तो ये पप्पू टैग से ही पूरा बीजेपी का तख्ता हिला हुआ है, और ये पप्पू बोल के जो उन्हें इंसल्ट किया गया है या मीडिया के माध्यम से जो जो बोला गया है, और यही पप्पू एक दिन देखिएगा हमारे राहुल गांधी जी भारत के बहुत ही ऊंचे दर्जे में जाएंगे, और हम लोग सब उस दिन का वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यशवी साहब, कांग्रेस आप जब ज्वाइन किए, जो आप तृणमूल में रह करके अचीव नहीं कर पाए, आप यहाँ पर अचीव कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस में मैं जस्ट थोड़े दिन हुआ मैं ज्वाइन किया हूँ। ये बहुत ही एक लोकप्रिय दल है, सभी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के प्रति, और मैं हमेशा मानता हूँ कि कांग्रेस ऐसा एक दल है जो आपको खुल के काम करने का मौका देता है, आपको आज़ादी से काम करने का मौका देता है। कांग्रेस ही एक दल है जो आज़ादी में लड़ के इंडिया को अंग्रेज़ों से छुड़ा के हम लोग को इंडिपेंडेंस दी है, और अब बीजेपी को क्विट इंडिया हटा के, क्विट भारत हटा के, भारत छोड़ो को बोल के हमें कांग्रेस वो जगह देगी जो हम लोग फिर से कांग्रेस एक साथ झंडा के ऊपर लहराएंगे। यासिर साहब, तृणमूल में एक अच्छे पद पे थे आप कांग्रेस ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए, इतने दिनों में आपको दोनों पार्टी के बीच क्या मेन फ़र्क दिखा, क्या डिफरेंस दिखता है दोनों के बीच? जब मैं फिर से बोलूँ, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया में, तो जो जो पार्टी कांग्रेस से जन्म लिए हैं, तो ऑब्वियसली कांग्रेस का तो एक आइडियोलॉजी और एक छवि तो सभी के अंदर है। अब तृणमूल कांग्रेस जो जो करते हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के, या खुद हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वो भी तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सपोर्टर थी, या अभी भी उनके प्रति, या जितने भी तृणमूल कांग्रेस जो लीडर उनके प्रति, ये कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा था और हमेशा रहेगा। और एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि यहाँ पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस को पसंद नहीं करती हैं या लाइक नहीं करती हैं, मगर सेंट्रल में जाके तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में ही बैठती हैं। आखिरी सवाल यासिर साहब, जब आपने ज्वाइन किया, फिरहाद हकीम का एक स्टेटमेंट आता है कि जिसकी पहचान मेयर के या फिरहाद हकीम के आर्थियों के रूप में है, उनकी अपनी अब तक पहचान ही बन पाई है, उनके कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से या आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उनके इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं या अपना क्या नज़रिया रखना चाहेंगे? देखिए, ये वाला चीज़ मैं आगे भी बोला हूँ, ये उनका पर्सनल व्यू है, उनको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको मैं हमेशा आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनको देख के मैं पॉलिटिक्स में उतरा हूँ, और जो पर्सनल रिलेशन है वो अपने पर्सनल है, और पॉलिटिकल में अब मैं कांग्रेस में हूँ, मेरा आइडियोलॉजी डिफरेंट है, मेरा विचारधारा डिफरेंट है, उनका विचारधारा डिफरेंट है, मगर मैं फिर से बोलूँगा कि उनके प्रति मेरा हमेशा एक रिस्पेक्ट है और वो हमेशा रहेगा, और वो कुछ बोले हैं, जो कुछ स्टेटमेंट किए हैं, वो उनका पर्सनल व्यू है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मगर एक चीज़ है कि जैसा देखिए, तृणमूल कांग्रेस अभी कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके दिल्ली में मीटिंग करने, जो सेकंड इन कमांड है श्री अभिषेक बनर्जी जी, आज सुबह सुबह मीटिंग किए राहुल गांधी जी के साथ, और अभी हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वो भी अभी INDI जो अलायंस है बॉम्बे में, आज उन लोग का आज मीटिंग है और कल भी मीटिंग है, तो वो वहाँ पर भी शामिल हुई है। तो सभी हम लोग मिल के, हमारा एजेंडा हुआ कि हम लोग बीजेपी को हटाए, उसके बाद कौन क्या है कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो बात की बात है, मगर आगे बीजेपी हटाओ देश बचाओ ये वाला मूवमेंट हम लोग का होना। राहुल गांधी की पर्सनालिटी के लिए अगर आपको दो चार सेंटेंस में कुछ बोलना चाहें तो क्या बोलिएगा राहुल गांधी की पर्सनालिटी को लेकर, जिस तरह से पिछला एक साल से उनकी पर्सनालिटी उभर करके सामने आई है? देखिए, अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला राहुल गांधी जी से मिलने का, मगर दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमें मौका मिले उनसे मिलने का, तो कुछ मैं उनसे अपना विचारधारा अपना डिस्कशन कर सकता हूँ। और डेफिनेटली राहुल गांधी जी को देख के एक बहुत ही अपकमिंग, जो बहुत ही बड़े जगह में जा रहे हैं वो हम लोग सब देख रहे हैं, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन अ पीपल्स मैन, जो मैं भी हमेशा अपने आप को मानता हूँ, वो लोगों के बीच में, लोगों के प्रति, लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करते हैं वो, तो ये मैं उनको
बहुत फॉलो करता हूँ और वो एक इंस्पिरेशन है पूरे यूथ ऑफ इंडिया के लिए, और बहुत ही डायनेमिक लीडर है, बहुत ही वेल स्पोकन है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और वो बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे वो बहुत ही ऊँची मकाम में इंशाल्लाह ताला देखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।